फॉलो कीजिए। YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आप इधर से हट जाए। देखिए माला से हाथ लगा लो, माला से हाथ लगा लो। देखो देखिए देखिए हमारे देश के प्रमुख शिक्षाविदों में शुमार चौथाई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे प्रोफेसर आरपी सिंह जी, वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार आदरणीय श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी और आप सबकी उपस्थिति साक्षी है आज के प्रतिष्ठापन समारोह की। नए सदस्यों का स्वागत करते हुए नई कार्यकारिणी के प्रति इस सदस्य का संरक्षक होने के नाते मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और एक औपचारिक शपथ जो मैं यहां पढ़ रहा हूं, आप सबसे निवेदन है कि आप अपना नाम जहां आवश्यक होगा वहां ले लेंगे। किसी व्यक्तित्व में समर्थ व्यक्तित्व हो, समर्थ व्यक्तित्व में समर्पण की भावना आ जाए तो समझिए कि वो व्यक्ति अपने आप में विशेष बन जाता है, उनका सब लोग अनुगमन करने लगते हैं। हमारी जो सभ्यता है वो संवाद से शुरू हुई, संवाद के विभिन्न स्वरूप हुए, वन टू वन संवाद हुआ, समूह में संवाद हुआ, उस संवाद के सारे सब चीजें बनती है बनती है। लेकिन वो संवाद जो सांत्वना देता है, वो संवाद जो शक्ति देता है, वो संवाद जो व्यक्ति के अंदर एक इच्छा देता है जीने की, कुछ करने की, इस मानव सेवा क्लब ने उस संवाद स्थापित किया। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से ये समर्पित है समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए। अभी सेना का तो पूरा अधिकार मेरे पर रहा, हमेशा अधिकार रहा है, मैं उसके किसी आदेश का अवहेलना नहीं करूँगा, उन्हें पालन करने में मुझे खुशी होगी। जैसे कि त्रिपाठी साहब ने कहा कि मैं तैयार हूँ, तो मैं भी सब तरह से तैयार हूँ विनोद सेना साहब के साथ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो नए पदाधिकारी है सबको मैं शुभकामना देता हूँ और मुझे विश्वास है और बेहतर काम करेंगे, और बधाई भी देता हूँ उनको मैं जो आज उन्होंने सबको सम्मानित किया और पढ़ाए लोगों को, वो बहुत अच्छी परंपरा है। तो बड़ी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, दो चार बात मैं आपके साथ जरूर करूँगा। पहली बात तो करूँगा कि जैसे कि मेरे आदरणीय त्रिपाठी साहब ने यहाँ बताया कि बरेली नगर बुद्धिजीवियों का बड़ा सहज, बड़ा शांत प्रिय और अति सभ्य नगर माना जाता है।
अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है? कानपुर का बाशिंदा ये बात कह रहा, मेरठ का बाशिंदा भी बस है, और हम दोनों ने अपनी कर्म स्थिति इसको बनाया है। उनका बहुत बड़ा नाम रहा है, उन्होंने अब भी जुड़े हुए हैं और एक तरह से सबसे मिलते रहते हैं और सब बातों को लोग याद करते हैं सर। तो यहाँ लाकर ऐसा लगता है जैसे कि हम सब जिंदा हैं, चित्र जिंदा हैं। हमारे रत्नेन्द्र शर्मा साहब कहा करते थे, व्यक्ति होता है लेकिन व्यक्ति है ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। उनका सेंटेंस मुझे बहुत याद रहता है, और व्यक्ति में जितनी क्षमताएं हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आर्थिक हो, करने की शक्ति हो, उसे प्रकाशित करना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्तित्व बनते हैं। और बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जैसे हमारे सुनील और फिल्म डालते हैं, उन्होंने इस क्लब को जिंदा रखा है और सजीव रखा है और सक्रिय रखा है। ये जो नई टीम आई है इसको और आगे ले जाएगी, तो रिले रेस है कि हर दो तीन वर्ष बाद नई टीम आती है, आगे पता चले कि दौड़ती है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि पहले प्रोफाइल पर जो काम यहाँ हुआ, लगातार लगातार वो परिवर्तन होता रहा, और वो परिवर्तन का इतना विस्तार हुआ कि वो विस्तार परे ही शारीरिक रूप से इस कलम में सम्मिलित लोग न हो पाए व्यस्तता की वजह से। लेकिन इस कलम की जो ध्वनि है वो हर एक के दो मदद करेगी, जो भी थोड़ा बुद्धिजीवी है उस कलम के ऊपर संवेदनशील। सबसे बड़ी उपलब्धि इस कलम की है, बहुत से कलम बने हुए, रोटरी है, लाइन्स है, बहुत से कलम बनते हैं, उन कलम का फिलोसफी अलग है, लेकिन इस कलम की फिलोसफी मनुष्य से जुड़ना, मनुष्य के लिए काम करना और सेवा करना होता है। और ये अभी मुझसे पूर्व शेखर ने बताया कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। जो लोग सेवा करते हैं बड़े तुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। मैं इस काल को ये मानता हूं कि शायद अभी समाज को एक दूसरे की सेवा करके ही काम चलाना पड़ेगा। व्यवस्थाओं से तो मैं थोड़ा सा नाउम्मीद हूं। आम व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, और समाधान तभी मिलेगा जब समाज में मानव सेवा क्लब की तरह कार्य करके लोग एक दूसरे को हाथ बढ़ाकर आगे खींचे, आगे ले जाए और उन्हें मुख्य धारा में ले आए। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सिन्हा साहब का और सारे मानव क्लब के जो आज नए सदस्य बने, उनको विशेष धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उनके संकल्प का आदर करता हूं। और पहले से जो लोग क्लब से जुड़े हुए हैं, इसके विकास में तन मन धन और पूरे भाव से लगे हैं, उनको प्रणाम करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, और उनकी सेवा के लिए सदैव अपने यथास्थित यथाशक्ति मैं भी तैयार हूं।